प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दीन और दुनिया से माला माल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल इंडिया में भी रमज़ान का चांद नज़र आ गया और आज इंडिया के लोगों ने पहला रोज़ा रख लिया है। और दोस्तों, आपको ये बात भी पता होगी कि कल की तरावी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा भी की है। तो दोस्तों, रमज़ान के शुरू होने से पहले हमारे देश इंडिया के और हम सब के प्रधानमंत्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रमज़ान को लेकर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है, जिसको सुनना आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको मोदी जी का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे इस टॉपिक पर मैं आपसे बात करता हूँ। कुछ ही दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। विश्व भर में रमजान का महीना पूरी श्रद्धा और सम्मान से मनाया जाता है। रोजे का सामूहिक पहलू यह है कि जब इंसान खुद भूखा होता है तो उसको दूसरों की भूख का भी एहसास होता है। जब वो खुद प्यासा होता है तो दूसरों की प्यास का उसे एहसास होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का यह अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे के मार्ग पर चलना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक बार एक इंसान ने पैगंबर साहब से पूछा, इस्लाम में कौन सा कार्य सबसे अच्छा है? पैगंबर साहब ने कहा, किसी गरीब और जरूरतमंद को खिलाना और सभी से सद्भाव से मिलना, चाहे आप उन्हें जानते हो या न जानते हो। पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान और करुणा में विश्वास रखते थे। उन्हें किसी बात का अहंकार नहीं था। वे कहते थे कि अहंकार ही ज्ञान को पराजित करता रहता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था कि यदि आपके पास कोई भी चीज आपकी आवश्यकता से अधिक है तो आप उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें। इसलिए रमजान में दान का भी काफी महत्व है। लोग इस पवित्र माह में जरूरतमंदों को दान देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का मानना था, कोई व्यक्ति अपनी पवित्र आत्मा से अमीर होता है, न कि धन दौलत से। मैं सभी देशवासियों रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे आशा है कि अवसर लोगों को शांति और सद्भावना के उनके संदेशों पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मोदी जी का ये वीडियो, तो दोस्तों मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रमज़ान के महीने का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।